हर्षा चंदवानी हमारे साथ में है। हर्षा, यूपी भवन में किस तरह की तैयारियां हैं वो भी जरा बताइए, या क्या यहाँ पर भी अधिकारी आज छुट्टी मना रहे हैं? जी नैना, इस वक्त मैं यूपी भवन में हूँ। जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसकी तस्वीर आपको दिखा देती हूँ कि कंट्रोल रूम में किस तरह से यहाँ जो स्टाफ डिप्लॉय किए गए हैं, लगभग 5 से 6 लोग हैं और यहाँ पे उनके हाथ में जो फोन जिसके लैंडलाइन नंबर्स हर जगह रोटेट किए गए हैं, सबके सब आपको फ़ोन पर नज़र आ रहे होंगे। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पर जो क्यूरीज आ रही हैं, जो सवाल है, जो समस्या है, वो लोगों की यही है कि आखिरकार हम फंस गए हैं, हम अपने घर कैसे पहुँचेंगे, क्या हम अपनी बाइक या अपनी गाड़ी अपना कन्वेंस लेकर के अपने घर तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लगातार लोगों को यही बताया जा रहा है कि आप वहीं पे रहिए, आप कहीं मूव मत करिए, कोई मूवमेंट मत करिए। अगर आपको खाने की दिक्कत है, कहीं कोई समस्या आ रही है, तो रैन बसेरों के नंबर और जो हंगर हेल्पलाइन नंबर है वो लोगों को दिए जा रहे हैं, या फिर अगर कोई दूसरा जिला पड़ता है तो जिले के नोडल ऑफिसर्स के नंबर दिए जा रहे हैं। और जितनी भी क्वेरीज हैं उसको एक लेखा झोंका पूरी किताब में तैयार किया जा रहा है जो शासन को भेजा जाएगा। लेकिन जो लोग लगातार फ़ोन पर जुड़े हुए हैं और उनके पास किस तरह के सवाल आ रहे हैं, लोगों की समस्या किन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे आप बताइए, अभी जो आपने कॉल अटेंड किया, क्या समस्या थी, क्या? मैम, घर जाने के लिए सब परेशान हैं, जितने भी फोन आ रहे हैं मोस्टली घर जाने वालों के लिए हैं, अपने मतलब जो भी गृह जनपद है उनके वहाँ जाने के लिए फोन आ रहे हैं। तो आपने उनसे क्या बोला कि वहीं पे रहें या फिर वो निकल गए रास्ते में, आधे रास्ते में? क्या वहीं पे हैं, बस उनको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है कि मतलब शासन, मतलब जो भी शासन प्रशासन हमारी हेल्प करे, तो उनको जो भी हम जो भी सुविधा यहाँ से हम दे सकते हैं हम उनको दे रहे हैं। तो कोई मदद कर पा रहे हैं आप यहाँ बैठ करके उनकी? हमारे पास जो शासन द्वारा जो नंबर हमें दिए गए हैं हम वो नंबर उनको दे देते हैं। बिल्कुल हर्षा, उस पर बात करते हैं तो वहाँ से उनकी हेल्प हो जाती है। बिल्कुल नैना, देखिए नंबर्स से ज़्यादा इस कंट्रोल रूम में जो नंबर्स से ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे मदद की जा सकती है, यानी कि जो अलग अलग जिले के नोडल ऑफिसर्स हैं, जिलाधिकारी हैं, रैन बसेरा अगर कोई देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, तो उनके नंबर, वो तमाम नंबर ज़रूर दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बैठ करके नंबर्स के अलावा और कुछ नहीं दिया जा सकता और कुछ मुहैया नहीं कराया जा सकता, क्योंकि यही निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को बोला जाए कि वहीं रहें, पैनिक ना करें। बसों के बारे में या फिर कैसे जा सकते हैं अपने घर, इसकी कोई जानकारी फिलहाल यहाँ पे किसी के पास नहीं है। बिल्कुल हर्षा, यानी कि ये कहें कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और उसके लिए बाकायदा कंट्रोल रूम से के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है, लोगों की मदद की जा रही है।